अहंकारी तरीके से देख रही हूँ, और एक सेंस ऑफ ये जो फीलिंग है कि हम लोग अनबीटेबल हैं, को याद दिलाना चाहूंगी कि इतिहास में जब जब आपने प्रजातंत्र को अपने आप को प्रजातंत्र से ऊपर माना है, जनता ने आपको सबक सिखाया है, तो इस तरीके का जो ओवर कॉन्फिडेंस और एरोगेंस है पूरी भारतीय जनता पार्टी में, कि जब मन चाहे विपक्ष के नेताओं को आप सस्पेंड कर देते हैं, जब मन चाहे आप कोई नया बिल ले आते हैं, जब मन चाहे कोई चर्चा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए उस तरीके का काम करते हैं, ये जो नारा लगाया है उससे स्पष्ट होता जा रहा है कि एक तरीके का एरोगेंस सीपन हो गया, और जब जब अहंकार हुआ है जनता ने हमेशा उसका जवाब दिया है। मतलब ये मान के चले मैं, कांग्रेस हालांकि बीजेपी दावा करे 50, अलायंस पार्टी बात करें, इंडिया अलायंस की बात करें, जो पूरी गठबंधन पार्टी में कितना दावा करते हैं आप सीट, मैम कितनी सीटें इंडिया अलायंस ला सकती है, हालांकि अभी तक चेहरा तय नहीं है, सीट सेटिंग को लेकर चेहरा नहीं पाई। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं जो मैं प्रिडिक्ट कर सकूं, पर अगर हम जनता के बीच में जाएंगे तो जो महंगाई को लेकर एक बहुत बड़ी परेशानी है, बेरोजगारी को लेकर परेशानी है, हम देख रहे हैं महिलाओं के मुद्दों को, आपने देखा होगा कैसे बृजभूषण सिंह के जो पास के माने जाते हैं उनको फिर से WFI का प्रेसिडेंट बना दिया गया, वो महिलाएं जो वर्ल्ड का मेडल जीत चुकी हैं, गोल्ड मेडल्स जीत चुकी हैं, देश को गौरवान्वित किया है, उन्होंने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा है, अर्थव्यवस्था को लेकर है, किसानों के मुद्दों को लेकर, खास करके महाराष्ट्र में जिस तरीके से किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, हम जनता के बीच वो इश्यूज लेकर जाएंगे, जनता को ये बताएंगे कैसे प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, कैसे संवैधानिक तौर तरीके जो पार्लियामेंट में अपनाने चाहिए उनको खत्म किया जा रहा है, जो नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं पार्लियामेंट में अंदर आकर के हम अक्साई चिल ले आएंगे, हम POK ले आएंगे, वो अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं कि पार्लियामेंट की ही सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, तो ये सारे मुद्दे जनता के बीच में लेकर जाएंगे, मुझे काफी कॉन्फिडेंस है कि जनता हम पे विश्वास जताकर हमें जिम्मेदार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।